नंबर रिंग रिंच यूज कर रहा हूँ, मेजर किट ना निकले तो इसको यहाँ से खोल दिया जाता। यह है मेजर किट, इसमें दिक्कत है, ये हार्ड होकर फंस गई है तो ब्रेक नहीं लग रही है, इससे एक्सीडेंट भी हो सकता है। स्वागत है आपका मोटो मिस्त्री में, मैं मौजूद हूँ शिवा ऑटो ट्रेडर्स, न्यू म्यूजियम के सामने है ये दुकान और यहाँ पे अनुराग भाई हैं जो कि आज हमें बताने वाले हैं कि बजाज पल्सर 150 में मेजर किट इसके अंदर होता है और इसका ब्रेक जो है वो लग नहीं रहा है और लगने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, तो मेजर किट इसके अंदर होता है, क्या होता है मेजर किट वो भी हम आपको दिखाएंगे। और ब्रेक नहीं लगता है तो आप लोग सोचते हैं कि बस तेल डाल दिए हो गया, डिस्क में प्रॉब्लम होगा, नहीं, मेजर किट भी एक चीज होता है जो कि आज हम आपको दिखाने वाले हैं और किस तरह से वो निकलता है वो हम आपको दिखाने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम अनुराग है, मैं मेजर किट चेंज करने जा रहा हूँ, अभी 10 नंबर T का काम पर है इसमें। ये ब्रेक लीवर खोल दिया मैंने, आगे मैं अभी लॉक निकाल रहा हूँ। लॉक निकाल दिया, अब निकाल रहा हूँ मेजर किट। नंबर रिंग रिंच यूज कर रहा हूँ, मेजर किट ना निकले तो इसको यहाँ से खोल दिया जाता। यह है इसका नट, अब मैं पेचकश का इस्तेमाल करूँगा। ब्लास्ट का यूज कर रहा हूँ, यह है मेजर किट, इसमें दिक्कत है, ये हार्ड होकर फंस गई है तो ब्रेक नहीं लग रही है, इससे एक्सीडेंट भी हो सकता है। ये मेजर किट बोला जाता है, जी खराबी इसमें, सब तो ठीक है, इसमें तो खराबी है, ये जाम हो गया है फुल के, रबर रबर फुल गया, हाँ रबर फुल के जाम हो गया है, तो ये पॉकेट है, यहाँ पर पिस्टन धर लिया ये प्लेट को, तो ये एक्सीडेंट भी हो सकता है इससे, और इसमें भी समय लगता होगा लगाने में। हाँ इसमें समय लगता है। चलिए इसी को बोलते हैं मेजर किट, इसी को बोलते हैं मेजर किट। तो मेरे हाथ में देखिए मेजर किट है, जो लोग नहीं जानते मैं उनको बता दूं कि यही मेजर किट है और आप लोग सोचोगे कि क्या दिक्कत है, स्प्रिंग विंग सब तो सही है, तो दिक्कत भाई यहाँ है, आप देख सकते हैं कि रबर जो है इसका थोड़ा सा फुला हुआ लग हो गया है, क्यों फूलता है वो भी हम आपको बताते रहेंगे, लेकिन यहाँ ये फिट होता है। जी हाँ देखिए यहाँ यहाँ आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ये फिट होता है, यहाँ पे ये फिट होता है और यहीं से ये निकला है, तो बहुत लोग कंप्लेन कर रहे थे कि बजाज पल्सर हो या कोई भी गाड़ी हो जब ब्रेक मारते हैं तो लगता नहीं, तो भाई बस डिस्क तेल का खेल नहीं होता है, मेजर किट भी होता है और मुझे लगता है कि पल्सर का 350 में आता होगा मेजर किट। तो इस वीडियो में बस हम आपको दिखाने लाए थे कि ब्रेक जब प्रॉब्लम देता है डिस्क वाला तो बस तेल और प्लेट का इशू नहीं होता है, मेजर किट का भी इशू होता है। मेरे हाथ में मेजर किट है और अनुराग मिश्री ने हर चीज़ बताया कि इसमें क्या दिक्कत है, कैसे खुलता है, खुलना थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन आप सीख ही गए होंगे कि क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हमने बताया आपको, तो यही होता है मेजर किट। अगली बार हम आपको दिखाएंगे कि मेजर किट लगता कैसे, तो आपने देख ही लिया कि मेजर किट का इशू क्या होता है, कैसे निकलता है, तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें।